भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकासोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प और विकास मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की एक मजबूत ताकत है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के समाधान और नवाचार लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आज भारत को डिजिटली सक्षम समाज के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। देश के हर वर्ग ने, समाज के हर तबके ने टेक्नोलॉजी आधारित ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही कार्यकुशल, प्रभावी और किफायती तरीके से अपनाया है। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई रूपी आरबीआई स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है, जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से ई रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। ई रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी, वितरण प्रणाली के सरलीकरण के साथ साथ न्यूनतम प्रशासनिक लागत। ई रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई रूपी का उपयोग लोक कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना, जिसके तहत निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भुगतान या अनुदान दिया जाता है, को सुगमता पूर्वक लागू करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग निजी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को किसी विशेष प्रायोजन के तहत लाभ देने हेतु भी किया जा सकता है। इस दिशा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से कॉर्पोरेट्स द्वारा निजी कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण के भुगतान के लिए ई रूपी के पहले उपयोग का आज शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है।